प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि एक अवसर हमको और मिला। जय मसीह की, यीशु सहाय। मैं थोड़ा सा आपके साथ एक मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैं मैसेंजर्स फॉर क्राइस्ट टीम में बहुत साल तक काम किया। हम लोग साथ साथ थे, बाणभाज, प्रभा, मैं, विनोद, तिमोती, रमेश और विनोद विश्वास भी कुछ समय हमारे साथ में थे। और इनसे ठीक से उतना परिचय नहीं था, जबकि मुझको नागपुर के आगे कोई हिल स्टेशन कहीं तो भी है कि भाई एफसी का यूथ रिट्रीट था, वहाँ ख़त्म करके मैं आ रहा था। तो मैं फिर मेथोडिस्ट चर्च में तिमोती साहब के घर में, पादरी साहब के घर गया, थोड़ा टाइम था तो मैं वहाँ थोड़ा जाके फिर राजनामा वापस जाऊँगा। मैं घर गया तो पास्टर साहब अकेले थे, कोई नहीं थे, तो उन्होंने बोला बैठो बैठो। तो उतना परिचय नहीं था, लेकिन फिर भी परिचय था, उन्हें बात कर रहे थे फॉर्मल। तो उतने में फिर प्रभा के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को बताया, भैया मैं आपको प्रभा के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि वो उषा तिमोती के थ्रू या किसी के थ्रू कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स लोग कोई पार्टी आई थी और आके यहाँ पर इसको फिल्म में गाने के लिए ऑफर देने के लिए आए थे। तो पास्टर साहब बोले कि भाई मैं कैसे बोल सकता हूँ, और वो उसका पर्सनल मामला है, वो बताएगी। शायद टाइपिंग वगैरह सीखने कुछ काम के लिए गई थी और वो आई, बोले आई थे तो यहाँ पर आप बैठे थे, वहीं पर वो लोग म्यूजिक वाले बैठे हुए थे और आई। तो मैंने बताया लड़की को कि देख भाई बॉम्बे से आए हैं तेरे लिए कुछ बात करने के लिए सिंगिंग का। तो बोले कि अच्छा ऐसा है, तो मैं 15-1 मिनट मेरे को टाइम दीजिए, मैं आपको बताऊँगी। घर के अंदर गई, इन लोग सोच रहे होंगे कुछ काम से गई, लेकिन पास साहब बोले कि वो अपने कमरे में गई और जाके दुआ की। क्या दुआ की, कैसा दुआ की नहीं मालूम, लेकिन दुआ करके आई। और आने के बाद उसने फ्लैटली रिफ्यूज किया कि मैं नहीं गाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको ये आवाज़ दिया है, ये उसकी महिमा के लिए है और उसकी प्रशंसा के लिए है, मैं गाने सेकुलर फील्ड में नहीं गाऊंगी। फ्लैटली रिफ्यूज कर दी। अब सोचिए कि ऐसा मौका के लिए लोग तरसते हैं और इसने प्रभु के नाम से उसको छोड़ दी। 4 दशक उसने परमेश्वर की सेवकाई की है, गाना गाई है देश विदेश में, अमेरिका में गाई, इंग्लैंड के स्टूडियो में उसका रिकॉर्डिंग हुआ और इंडिया की कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर नहीं गई, कैरफ्स में गई, मसीह वंदना में गाई, जितने हैं और आनंद चौधरी जी के प्रोग्राम में गाई, हम लोग का युवा दर्पण प्रोग्राम FECI के माध्यम से चलाते थे हम लोग एक में से आके हम लोग रिकॉर्डिंग किए, दिल्ली में आके रिकॉर्डिंग किए, जयपुर में जाके हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया, सब किया। ये कि कई लोग इसके गाने से, गाना सुन के, गाना सुनने के लिए आते थे, सुन के परमेश्वर को उन्होंने एक्सेप्ट किया। और हम लोग के मैसेज में ज़्यादा जो सिंगिंग का पोर्शन इतना ज़्यादा रहता था कि आपने जो देखा होगा, जो तो आपको मालूम है कि सिंगिंग एंड प्रीचिंग बोथ वेयर कम्बाइंड, और ये दोनों मिलके ही काम होता था और उसमें प्रभती मोती का हाथ था। अल्टर कॉल में जब गाती थी रोहिते खड़े हो जाते थे और उसमें बड़ा इंस्पिरेशन मिलता था। तो ये मतलब प्रभा की, मैं इस चीज़ को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपको लगता होगा कि परमेश्वर से मेरा संपर्क टूट गया है और प्रभा के गाने को रिकॉर्ड आप लगा के अभी भी सुन लीजिए, तो अगेन यू विल बी कनेक्टेड, खुदा के साथ कनेक्शन हो जाएगा। इतना स्पिरिचुअल इम्पैक्ट पड़ता है, मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ।